पार्टी ने हर जिले में एहतजाज की रैली निकाली थी, ये कांग्रेस के खिलाफ था। मैं समझता हूँ जो कांग्रेस सरकार ने चूक की है, वहाँ पे जो वहाँ के वज़ीर आला ने सिक्योरिटी लेपस किया, वहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के लिए, वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। अगर वहाँ से पत्थर भी मारा जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चूक है कि नरेंद्र मोदी जी को ये मारने की साजिश थी। हकीकतन कांग्रेस ये समझती है कि जब तक वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी है, इनकी साख़त है ही नहीं। ये सबको मालूम होता है कि अगर वज़ीर आज़म हिंद किसी जगह पे विज़िट करते हैं तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को पहले से पता होता है और रूट तय होते हैं। मैं समझता हूँ कि और मरकज़ी हुकूमत के साथ मैं अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ पे गवर्नर राज हो अभी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। कि अगर ऐसा हमारे वज़ीर आज़म हिंद के साथ हुआ है कि ये कोई एक MLA नहीं है, ये पूरा देश चलाता है और पूरे देश को इसने नंबर वन पे चलाया, और हम कांग्रेस के विरोध में हैं और कांग्रेस के विरोध में तब तक रहेंगे जब तक न वहाँ पे गवर्नर राज चालू होगा। कांग्रेस को कैसे पाकिस्तान की ही साथ मिले हुए हैं। देखो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, ये पहला वज़ीर आज़म हिंद है, और जो इसने हर देश के साथ अपना रबता बढ़ाया और हिंदुस्तान को एक नंबर पर पहुँचाया, ये इनको रास नहीं आता है। पाकिस्तान के साथ इनके संबंध है और ये वज़ीर आज़म हिंद को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके खिलाफ हमने आज एहतजाज किया और भी करते रहेंगे। थैंक यू।